आज हम सीखेंगे क्रेडिट एप्लीकेशन के थ्रू क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेते हैं कि हमारा अकाउंट में बैलेंस सफिशिएंट है या नहीं है। तो हम फ़ोनपे को ओपन करते हैं, हमारा व्यू बैलेंस करते हैं। इसके बाद मैं अपना पिन वगैरह डाल के कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया है इसे, तो अभी बैलेंस फैच हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है। तो अब आइए क्रेडिट एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो मैंने क्रेडिट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। नीचे की तरफ कार्ड्स का एक ऑप्शन दिखेगा हमें। यहाँ पर अराउंड 2 लाख रुपीज़ के क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होना अभी बाकी है, जो कि आप देख सकते हैं इतने सारे कार्ड हैं। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। तो इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं और टोटल ड्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा एक्सिस बैंक का कार्ड है, हम इसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे। प्ले नाउ पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलेंगे, टोटल पे, मिनिमम पे और अदर अमाउंट। तो हमें हमेशा टोटल पे ही क्लिक करना है। तो हम टोटल पे क्लिक कर लेते हैं। कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, गूगल पे, SBI का नेट बैंकिंग और UPI। तो हम UPI को सिलेक्ट कर लेते हैं और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर अपना सीक्रेट पिन एंटर कर देता हूँ और इसे हाइड कर देता हूँ। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा, आपको एक पेमेंट रिसीव का कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा और साथ ही साथ क्रेडिट एप्लीकेशन में भी शो हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। जितना आप पेमेंट करते हैं, उतना ही आपको क्रेडिट कॉइन के रूप में रिवॉर्ड्स दिया जाता है। यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल का एक मैसेज भी आ चुका है। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।